नमस्कार दोस्तों, योर्स ओन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ये मेरा एम्पलीफायर रैक है जो कि मैंने खुद बनाया है। खुद जानी मेरा एक कारपेंटर जो है दोस्त है, उसकी मदद से ये मैंने रैक बनाया है। तो जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी आपको अपने गियर्स एम्पलीफायर्स वगैरह लेके जाने हैं तो आपको अलग अलग से उनके केस जो है बनाने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है और फिटिंग में हर बार आपको वायर से लगानी पड़ती है सब कुछ। तो देखिए, जैसे हमने इसको खोला तो इस पे टॉप में मेरा जो है अहूजा का मिक्सर आ गया। तो ये इसकी दोनों साइड से खुलेगा, आगे की साइड से और पीछे की साइड से दोनों। इसके तीन जो हैं इसके साइड्स हैं जहाँ से ये खुलेगा। तो ऊपर आप देख सकते हैं ये अहूजा का मिक्सर आ गया, ये 8 चैनल मिक्सर है। तो इसका मॉडल नंबर है अहूजा AMX 812। तो ये इको रिवर्ब के साथ आता है, इसमें इफ़ेक्ट प्रोसेसर है। तो उससे नीचे आप देखेंगे ये थोड़ी सा स्पेस रखा है, कल के आप इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं। तो सबसे ऊपर में मैंने लगाया हुआ है ये मेरा जो क्रॉसओवर बहरिंजर का, ये है 2310X Pro। तो ये बेसिकली मैं अपनी जो है सब वूफर्स हैं उनके लिए लगाता हूँ। तो इस पे मैं 2 सब वूफर चलाता हूँ, लेफ्ट और राइट, जो कि मेरे 3000 वाट के एम्पलीफायर से कनेक्टेड हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा क्रॉसओवर है, मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे सिस्टम में सबसे ऊपर लगा हुआ है। तो उसके नीचे आप देख सकते हैं ये NX IDO का 3000 का एम्पलीफायर, 3000 वाट का एम्पलीफायर है। ये भी एक डुअल चैनल एम्पलीफायर है। तो मेरे जो दोनों सब्स हैं 18-inch सब्स हैं वो इसी पर चलते हैं। तो उससे नीचे आ गया जो ये स्टूडियो मेकर का है, स्टूडियो मास्टर का एम्पलीफायर है जो कि 2500 वाट का है। तो इस पे मेरे टॉप्स जो है स्पीकर चलते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से फिट हैं। तो ये खाली जगह में आप कल को इसमें आप ग्राफिक इक्वलाइज़र जोड़ सकते हैं, या एक्स्ट्रा एम्पलीफायर अगर आपको लगाना है वो इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो सबसे अच्छा मज़ा है आपको बस इसको बंद करना और गाड़ी में डाल दीजिए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो आपने सीधे जाते ही इस तरह से आपने वायर से लगानी है, तो आपका सिस्टम जो है रेडी है। तो इससे क्या होता है, एक तो आपके टाइम की बचत होती है और दूसरा आपको हर बार वायर्स का झंझट नहीं रहता है, कौन सी वायर कहाँ लगानी है, तो उससे भी आपको टेंशन फ्री हो जाते हो। तो ये इसका बैक पैनल आ गया। तो इसमें आप देखिए ये सबसे ऊपर वाला जो क्रॉसओवर है, इसमें मेरे लेफ़्ट साइड जो मिक्सर से आउटपुट है वो इसके इनपुट में जाती है, और फिर इसकी आउटपुट जो है 3000 वाट वाले ये NX IDO एम्पलीफायर में चलाती है, जो इसको मैं पैरेलल मोड पर चलाता हूँ। तो नीचे का एम्पलीफायर भी मैं पैरेलल मोड पर चलाता हूँ क्योंकि सेम टॉप्स हैं। तो इसके ये आप ये देखते हैं पावर प्लग्स ही हुए हैं, इसके अंदर ही हमने फिट किए हुए हैं। तो ये सॉकेट्स, पावर सॉकेट्स लगाई हुई हैं क्योंकि बार बार आपको वायर्स वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने, आप देख सकते हैं ये पावर इनपुट इसका जो है, तो सिर्फ आपने एक केबल लगानी है और आपका सिस्टम रेडी। तो ये देखिए ये हमारा ये AC इनपुट का आ गया। तो ये सिर्फ एक ही वायर आपने अपने मेन बोर्ड में लगानी है, तो बाकी सिस्टम जो है पहले से सारा फिट रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने